हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्टी लीव एसएल सस्पेंशन के बारे में। इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि ये जो है इसकी क्या कंपोजिशन है और उन कंपोजिशन का क्या क्या काम है, जो इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है क्या क्या वर्क करता है, किन किन बीमारियों में जो है काम करता है ये सिरप, और ये कितने रुपये में जो है आपको मिल जाएगा, कितनी मात्रा में लेना है, किन्हें लेना है, किन्हें नहीं लेना है, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसके अंदर जो ये एप्टीलिव एसएल सस्पेंशन है, इसके अंदर सिलमेरिन है, ट्राइकोलिन जो है, साइट्रेट है और विटामिन है दिया गया है। यह जो सिरप है जाइगोटिक केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। प्राइस की बात करें तो 210 रुपये में जो है आपको ये 200 ml की पैकिंग में जो है बॉटल मिल जाएगा। कुछ इस तरह के देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन जो है डॉट दिया है, इसका मतलब जो है ये वेजिटेरियन, इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट डाला गया है वेजिटेरियन है, तो जो भी वेजिटेरियंस होंगे वो ले सकते हैं। और बात करें इसकी कंपोजिशन जो है कितनी कितनी मात्रा में जो है दिया गया है, तो देखिए इसके अंदर जो सिलमेरिन है ये आपको जो है 35 मिलीग्राम मिल जाएगा। प्रत्येक 5 ml सिरप में जो है आपको सिलमेरिन 35 मिलीग्राम मिल जाएगा, ट्राइकोलिन साइट्रेट जो है 250 मिलीग्राम मिल जाएगा, और इसके अंदर विटामिन है, जिसमें विटामिन्स में विटामिन B3 14 मिलीग्राम, विटामिन B6 1.4 मिलीग्राम, विटामिन B1 1.1 मिलीग्राम और विटामिन B12 जो है 1 μg दिया गया है। अब बात करें इसके अंदर जो ये इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है क्या क्या काम करता है। देखिए इसके अंदर जो ट्राइकोलिन साइट्रेट है ये एक ये क्या करता है, तो एक प्रकार का ये बाइल जो है बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट होता है, जो बॉडी से एक्सेस बाइल एसिड को निकालता है और लीवर कोलेस्ट्रॉल होता है उसका यूज करके अधिक बाइल एसिड का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है कम हो जाता है। और इसके अंदर ये जो सिलमेरिन है ये क्या काम करता है, तो ये जो होता है ये लीवर और पित्ताशय जैसे बॉडी के विभिन्न अंगों में जो टॉक्सिन होता है, जो जहर होता है या विषाक्त पदार्थ होता है उसको रोकता है, और लीवर की जो सेल है उसको जहरीले उसके सेल्स को जहरीले केमिकल्स और दवाओं से जो है रक्षा करता है, सेफ करता है, बचाने का काम करता है ये सिलमेरिन। यानी जो हमारा लीवर है उसमें कोई केमिकल चला गया उसके कारण लीवर खराब हो रहा है उसको ये रोकता है, लीवर को जो है लीवर की जो सेल्स है उसको न्यू करता है, जो डैमेज सेल है उसे रिपेयर करने का काम करता है। और इसके अंदर जो विटामिन B3 है, देखिए इसके अंदर विटामिन है तो इसके अंदर विटामिन B3 है, तो विटामिन B3 का जो है अलग रोल्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक अलग सिर्फ जो है लीवर से रिलेटेड ही काम यहाँ पे आने वाला है। यहाँ जो विटामिन दिया गया है, तो देखिए विटामिन B1 B6 B3 और B12 जो है ये विटामिन जो है अलग अलग काम करता है, लेकिन यहाँ जो इस सिरप में जो दिया गया है इसका अलग ही रोल है। जैसे इसके अंदर विटामिन B3 है तो ये क्या करता है, तो ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है और जो फैट्स है, जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल हो गया LDL या ट्राइग्लिसराइड है उसको कम करता है, और ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL होता है उसको बढ़ाता है। और इसके अंदर विटामिन B6 है, तो विटामिन B6 का यहाँ पे एक अलग ही रोल है, जैसे विटामिन B6 जो है ये भूख को बढ़ाता है, हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है, नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, बॉडी में शर्करा के और जो प्रोटीन हो गया फैट्स हो गया उसको सही तरीके से जो है काम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये कई तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है मेन काम जो है लीवर के लिए यही करेगा। इसमें और दवा में रहेगा तो वहाँ पे दूसरा वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है समझिए लीवर में ही स्पेशल ये जो है काम करेगा। और इसके अंदर विटामिन B1 है, तो B1 क्या करता है, तो ये पाचन तंत्र और आंतों को सही तरीके से काम करने में जो है मदद करता है। और इसकी कमी से, यानी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाएगा तो पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, भूख नहीं लगेगी, आंतों की बीमारी हो जाती है, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, अपच कब्ज जैसी स्थिति हो जाती है, डायरिया भी हो जाता है किसी किसी व्यक्ति में पेट दर्द की शिकायत भी बनी रहती है अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो इन सब समस्या को ये यहाँ पे कंट्रोल करता है इस सिरप में दिया गया है। तो
और इसमें जो विटामिन B12 है, तो देखिए ये भी जो है पेट की कोशिकाएं जो होती है, जो पेट की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, जिससे गैस्ट्रिक रस और एंजाइम्स निकलते हैं वे नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण जो है गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन है, उसकी कमी हो जाती है और विटामिन जो B12 है लीवर में फैट्स को जमा होने से बचाता है और भूख को भी बढ़ाता है। ये जो विटामिन B12 है ये क्या करता है, तो लीवर की सेल को भी बचाता है, भूख बढ़ाता है और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन हो जाता है, उसकी कमी को रोकता है, कमी होने से बचाता है। तो ये जो है इसके अंदर जो विटामिन B1, B3, B6 और B12 है, ये लीवर के लिए स्पेशल जो है इसके अंदर काम कर रहा है। बात करें इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो देखिए ये जो सिरप है स्पेशल जो है लीवर के लिए ही है। यह जो है यह सिरप जो है फैटी लीवर के प्रॉब्लम में दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को फैटी लीवर की शिकायत हो तो उस समय डॉक्टर जो है ये जो है सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। लीवर में सूजन हो गया हो, जॉन्डिस की शिकायत हो, पीलिया हो गया हो, पीलिया जॉन्डिस हो गया हो, लीवर को बेहतर बनाता है ये सिरप। अल्कोहलिक फैटी लीवर्स की प्रॉब्लम हो उसको भी ठीक करता है, लीवर की सफाई करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करता है, ये लीवर के जो भी गंदगी है उसको साफ करता है। और तो और जो लीवर डैमेज हो जाता है इस दवा के सेवन करने से, जो डैमेज सेल है लीवर के, जो डैमेज सेल है वो फिर से जो है नया बन जाता है। तो ये जो सिरप है एप्टी लीव एसल सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है लीवर के बीमारियों में। इसके अलावा जो है लीवर सिरोसिस में भी जो है इस्तेमाल में लिया जाता है, हेपेटाइटिस के इलाज में लिया जाता है, जो कि वायरल हेपेटाइटिस, वायरल के द्वारा होने वाले हेपेटाइटिस में जो है ये सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है ये लीवर के कोलेस्ट्रोल को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन में भी अच्छा वर्क करता है, यहाँ पर भी दिया है कि लेक्जेटिव इफेक्ट भी डालता है, यानी जिन व्यक्ति को कब्ज की शिकायत रहती है तो उनमें कब्ज की शिकायत को भी ये होने नहीं देता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। लीवर की सभी समस्या, लीवर के इन्फेक्शन हो गया हो, लीवर में इन्फेक्शन के कारण जो है पेटों में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, नोजिया वोमिटिंग हो रहा हो, ज़्यादा गैस बन रहा हो, तो उन सब कंडीशन में ये सिरप जो है एप्टीलिप सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये जो है भूख न लगने की समस्या हो, पाचन क्रिया की गड़बड़ी हो गया हो, उनको भी ये सुधार करता है, और जो है बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गया हो तो उनमें भी ये काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स भी है, विटामिन B1 है, B3 है, B6 और B12 है, तो ये जो है बी कॉम्प्लेक्स की कमी को भी पूरा करता है। और जो है ये जो है डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उनमें भी जो है काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है, फायदेमंद पहुंचाता है। तो ये जो है स्पेशल लीवर के लिए है, जितने भी प्रकार के लीवर की कोई भी समस्या होता है तो ये दिया जाता है। शराब के सेवन के कारण आपकी लीवर खराब हो गया हो, डैमेज हो गया हो, ठीक है, अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, लीवर सिरोसिस हो गया हो, पुराने से पुराने क्रोनिक लीवर हो गया हो, क्रोनिक जो है सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, तो उन सभी कंडीशन में जो है क्रोनिक लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, उन सभी कंडीशन में ये एप्टीलिव एसल सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है। बात करें इसके क्या डोज हो सकते हैं, तो देखिए ये जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं देना है, देना भी हो तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, देना है बच्चों में। और बात करें एडल्ट व्यक्ति में कितनी मात्रा में दिया जा सकता है, तो देखिए ये डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाता है, ऐसे खुद से नहीं लिया जाता है, लेकिन बता दें कि जो इसका डोज है वो 5 ml से 10 ml, इस ढक्कन से एक ढक्कन या दो ढक्कन जो है सिरप जो है खाना खाने के बाद जो है गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, बच्चों में देना ही नहीं है, और इसको जब भी लीजिए तो थोड़ा सा सेक कर लीजिए, ऐसे सेक करने के बाद ही दीजिए। बात करें इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो मुंह सूख सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, चक्कर आना, और जो ज्वाइंट्स है, हड्डियों के जोड़े हैं, उनमें दर्द भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आप ये सिरप जो है न लीजिए, और इसके जगह पे आप कोई और भी सिरप ले सकते हैं जिसके अंदर ये सेम कंपोजिशन दिया हो, सिलमेरिन, ट्राइकोलिन साइट्रेट और विटामिन्स, कोई भी सिरप ले सकते हैं इसके जगह पे। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है किसी मेडिकल स्टोर पे तो दूसरा भी सिरप ले सकते हैं, इसकी कंपोजिशन सेम इंग्रेडिएंट वाले, ये जो इंग्रेडिएंट है ऐसे ही इंग्रेडिएंट वाले दूसरा सिरप जो है आप सस्पेंशन ले सकते हैं। बात करें इस सस्पेंशन को लेते समय, इस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो देखिए यदि किसी व्यक्ति को इसमें उपस्थित सिलमेरिन से, ट्राइकोलिन साइट्रेट से या विटामिन से किसी भी प्रकार की एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में ये सिरप नहीं लेना है।
बच्चों में भी नहीं देना है। जो बड़े बच्चे हैं उनमें डॉक्टर की सलाह से अगर चाहे तो दिया जा सकता है। इस सिरप के साथ जो है आपको अल्प्राजोलाम, डाइजीपाम, कीटोकोनाजोल की जो दवाइयाँ आती है, टेबलेट आता है, वो नहीं लेना है और इसे खाना खाने के बाद ही लीजिए और डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ये सिरप जो है सेफ नहीं है, इसलिए नहीं देना है। अल्कोहल तो लेना ही नहीं है और स्मोकिंग भी नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल के कारण जो है लीवर को डैमेज हो जाता है, तो इसलिए ये लीवर की समस्या में ही काम करता है। तो इसके साथ अल्कोहल अगर ले रहे हैं या कोई व्यक्ति अल्कोहल लिया है, शराब का सेवन किए हैं, उनको इसके साथ दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अल्कोहल लिए हैं उन्हें ये सिरप ना दीजिए। और जो है यदि किसी व्यक्ति को जो है किसी भी प्रकार के मतलब समस्या होता है इसको लेने के बाद, तो नहीं लेना है। मतलब जैसे चक्कर आ रहा है तो ड्राइविंग नहीं करना है, हैवी मशीनों पर काम करने से भी बचना चाहिए। मान लीजिए पी लिए और ड्राइविंग करने लगे तो हो सकता है कुछ समस्या आ जाए, तो इसलिए आपको ड्राइविंग करने से बचना चाहिए। और फास्ट फूड का सेवन भी ना कीजिए, जो फैटी फूड है तो उसका भी सेवन ना कीजिए। अगर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था एप्टीलीव SL सस्पेंशन की संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसका कारण है कि ये सिलमेरिन ट्राइकोलिन साइट्रेट और विटामिन्स की जो है इसकी खासियत बताने लगा कि क्या क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में बताने लगा, इसलिए जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो अगर इस वीडियो से थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।